अहमदाबाद गुजरात के दिलीप चौहान जो एक विजुअली चैलेंज टीचर है उन्होंने अपने स्कूल में एक्सेसिबल इंडिया डे उसको मनाया उन्होंने मुझे फोन करके अपनी भावनाएं व्यक्त की है सर वी सेलिब्रेटेड एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन इन माय स्कूल आई एम अ विजुअली चैलेंज टीचर एंड आई एड्रेस

कभी कभी समाज में इस प्रकार के किसी व्यक्ति से मिलने का अवसर आता है तो हमारे मन में ढेर सारे विचार आते हैं हमारी सोच के अनुसार हम उसे देखने का अपना नजरिया भी व्यक्त करते हैं कई लोग होते हैं जो हादसे के शिकार होने के कारण अपना कई अंग गंवा देते हैं कुछ लोग होते हैं कि जन्मजात ही कोई क्षति रह जाती है और ऐसे लोगों के लिए दुनिया में अनेक अनेक शब्द प्रयोग हुए हैं लेकिन हमेशा इन शब्दों के प्रति भी चिंतन चलता रहा है हर समय लोगों को लगा नहीं नहीं, नहीं। ये उनके लिए ये शब्द की पहचान अच्छी नहीं लगती है सम्मानजनक नहीं लगती है और हमने देखा होगा कि कितने शब्द आ चुके हैं कभी हैंडीकैप शब्द सुनते थे तो कभी डिसेबल शब्द सुनते थे तो कभी स्पेशली एबल पर्सन अनेक शब्द आते रहते हैं ये बात सही है कि शब्दों का भी अपना एक महत्व होता है इस वर्ष जब भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान का प्रारंभ किया उस कार्यक्रम में मैं जाने वाला था लेकिन तमिलनाडु के कुछ जिलों में और खास करके चेन्नई में भयंकर बाढ़ के कारण मेरा वहां जाने का कार्यक्रम बना उस दिन मैं उस कार्यक्रम में रह नहीं पाया था लेकिन उस कार्यक्रम में जाना था तो मेरा मन में कुछ न कुछ विचार चलते रहते थे तो उस समय मेरे मन में विचार आया था कि परमात्मा ने जिसको शरीर में कोई कमी दी है कोई क्षति दी है अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है हम उसे विकलांग कहते हैं और विकलांग के रूप में जानते हैं लेकिन कभी कभी उनके परिचय में आते हैं तो पता चलता है कि हमें आंखों से उनकी एक कमी दिखती है लेकिन ईश्वर ने उसको कोई एक्स्ट्रा पावर दिया होता है एक अलग शक्ति का उसके अंदर परमात्मा ने निरूपण किया होता है जो अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते हैं लेकिन जब उसे देखते हैं काम करते हैं उस अपनी काबिलियत की ओर तो ध्यान जाता है अरे वाह ये कैसे करता है तो फिर मेरे मन में विचार आया कि आंख से तो हमें लगता है कि शायद वो विकलांग है लेकिन अनुभव से लगता है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर अतिरिक्त तो शक्ति है और तब जाकर के मेरे मन में विचार आया क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं जिसमें दिव्यता है दिव्य शक्ति का संचार है जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है क्या मेरे देशवासी हम आदतन विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द को प्रचलित कर सकते हैं क्या मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे उस दिन हमने सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की है इसके तहत हम फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर उन्हें दिव्यांग लोगों के लिए सुगम्य बनाएंगे स्कूल हो अस्पताल हो सरकारी दफ्तर हो बस अड्डे हो रेलवे स्टेशन में रैंप हो एक्सेसिबल पार्किंग एक्सेसिबल लिफ्ट ब्रेल लिपि कितनी बातें हैं इन सब में उसे सुगम्य बनाने के लिए इनोवेशन चाहिए टेक्नोलॉजी चाहिए व्यवस्था चाहिए संवेदनशीलता चाहिए इस काम का बीड़ा उठाया है जनभागीदारी भी मिल रही है लोगों को अच्छा लगा है आप भी अपने तरीके से जरूर इसमें जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे देशवासियों सरकार की योजनाएं तो निरंतर आती रहती हैं चलती रहती हैं लेकिन ये बहुत आवश्यक होता है कि योजनाएं हमेशा प्राणवान रहनी चाहिए योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक जीवंत होनी चाहिए वो फाइलों में मृतप्राय नहीं होनी चाहिए आखिर योजना बनती हैं सामान्य व्यक्ति के लिए